हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्निप में आप अपना स्ट्रीम डिले कैसे कर सकते हैं। तो क्योंकि टर्निप में अब तक ये फीचर्स आया नहीं है, तो टर्निप से डायरेक्टली डिले नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको यूट्यूब स्टूडियो का यूज़ करना पड़ेगा। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाने से पहले आप अपना जो बेसिक स्ट्रीमिंग सेटअप रहता है वो कर लीजिए, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और स्ट्रीम क्वालिटी वो सब सेट कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे स्टार्ट नाउ दबाने के बाद एक ब्लैक बबल आएगा टर्निप का, आपको उस पर प्रेस नहीं करना है। अगर आप उसे प्रेस कर दिए तो आपका लाइव स्ट्रीम डायरेक्टली चालू हो जाएगा। तो ब्लैक बबल को ऐसे ही छोड़ के आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर और वहाँ से खोल लेना है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो जाने के लिए आपको अपने यूट्यूब पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप व्यू में चेंज कर देना है। डेस्कटॉप साइड में चेंज करते ही आपका डेस्कटॉप मोड पे यूट्यूब खुलेगा, जहाँ से आपको माय चैनल सिलेक्ट करना है। जब आप अपने आइकॉन के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ से आपको माय चैनल ले लेना है। उसके बाद आपका ये वाला विंडो आएगा जिस पर आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है, जिससे आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो होता है कंटेंट्स। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन आता है, एक रहता है अपलोड और एक रहता है लाइव। इसमें आपको जाना है लाइव पे। लाइव पे आते ही आपको एक पहला वीडियो दिखाएगा जिसमें लिखा रहेगा अपकमिंग। ये वाला वो स्ट्रीम है जो आप स्टार्ट कर रखे हैं लेकिन अब तक लाइव करना स्टार्ट नहीं किए। यहाँ से आपको जो वाईफाई जैसा साइन है उस पर क्लिक करना है, ये रहता है लाइव स्ट्रीम कंट्रोल रूम। अगर आपका विंडो इस तरह से शो होता है इस पर क्लिक करने से, तो फिर से साइड वाले तीन डॉट पे क्लिक कीजिए और उसको डेस्कटॉप व्यू पे चेंज कर दीजिए, जिससे आपका स्ट्रीम आ जाएगा। स्ट्रीम आने के बाद यहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन देता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर इसमें को बिना कुछ भी चेंज किए सेव कर दीजिए। इसको सेव कर लेने के बाद अब आप थोड़ा स्क्रीन जूम कीजिए, तो यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देगा स्ट्रीम डिले या फिर स्ट्रीम लेटेंसी। स्ट्रीम लेटेंसी पे तीन ऑप्शन रहता है, नॉर्मल, लो और अल्ट्रा लो। अगर आप स्ट्रीम डिले करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉर्मल लेटेंसी। नॉर्मल लेटेंसी सिलेक्ट करने के बाद और थोड़ा अगर आप राइट की तरफ मूव करेंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पे आपको और एक दिखाई देगा ऑप्शन जिसका नाम रहता है एडिट डिले। यहाँ पे अभी नोन है। यहाँ पे दो ऑप्शन रहता है, या तो 30 सेकंड या फिर 1 मिनट, मतलब आप 30 सेकंड डिले कर सकते हैं या फिर 1 मिनट डिले कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से डिले सेट कर लीजिए। पड़ता ये ऑटोमेटिक है, मतलब आप जैसे ही 1 मिनट कर देंगे तो उसके बाद और आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना उसके बाद डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दिया हूँ। क्योंकि मैं अभी 1 मिनट का डिले ले रखा हूँ तो स्ट्रीम को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, प्लस जो टर्निप है उसका अपने आप में भी एक डिफ़ॉल्ट डिले रहता है 10 से 15 सेकेंड का, तो स्ट्रीम स्टार्ट होने में उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रीम स्टार्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हालाँकि मेरा टाइमर दिखा रहा है स्ट्रीम का, लेकिन अभी तक स्क्रीन पे कुछ भी आया नहीं है। तो जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होना चालू होगा। तो मैं ये करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लाइव में ही प्रूव हो जाए कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट होने का। जैसे ही 1 मिनट होगा मेरा स्ट्रीम प्ले होना चालू हो जाएगा स्क्रीन पर, और जो अभी करेंटली यहाँ पर दिखाई दे रहा वो नहीं होगा, जो 1 मिनट पहले मेरे स्क्रीन पर आया था वही यहाँ पर शो होगा। तो और कुछ सेकंड है, देख थोड़ा वेट कर लेते हैं तो दिखाई देगा। और लगभग 15 सेकंड के बाद मेरा प्ले होना चालू हो जाएगा स्क्रीन पे, तो वो दिखा देता हूँ वो भी। तो यहाँ पे मेरा 1 मिनट हो चुका है और आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे अपने आप रिलोड होगा मेरा स्ट्रीम और यहाँ पे स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जो मैं पहले से कर चुका हूँ 1 मिनट पहले, वो सब यहाँ पर अब दिखाना चालू करेगा। तो इस तरह से आप स्ट्रीम डिले सेट कर सकते हैं। और अगर आपको और कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको स्ट्रीम
सेट करने में दिक्कत आता है तो वो भी बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना था, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और भी ऐसे अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके पास कोई और सजेशंस है तो वो भी मुझे बता सकते हो, और अगर कुछ और प्रॉब्लम्स होता है और डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हो। थैंक यू।